हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिया एनआरआई ब्लॉगर ओरोमिका। तो आमे मैंने आज आसी जाइछु गोटे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक नेकी। मो पु पछरे डेउछि, इग्नोर करंतु ताको। बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक और मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक नेकी, जोटा कि मते बहुत रिक्वेस्ट आसुछि एई भिडियोटि करियाकु। तो आज भिडियो हला अमेरिका विषय में सब कि आपण केमती आसबे, केते पैसा खर्च हुए, फ्लाइट रे केते टाइम लगे, केते टंका फ्लाइट रे नियंती, कौन कौन प्रोसेस दरकार, कौन पढ़ले आसी परिबे, इंक्लूड करबे ईच एंड एवरीथिंग। आमे माने केमती आसछु, वीजा प्रोसेस कौन, ईच एंड एवरीथिंग आमे कवर करिया के जाउछु एई ब्लॉग रे। निश्चिंत देखंतु। तो मु आज आपनको कहबी, मते जो मनकर रिक्वेस्ट आसला मु समस्तक ना तो नै परिबेनि, कने मु सेते बड़ो सर्च करुची, बहुत माने राती भी लेट हलाणी, आउ इवन वीडियो भी लेट पकेले आपण माने देखि पारिबे कि नै। तो आमे को जल्दी भी करियर अच्छे, तो मुझे किसी ना नहीं जाऊँ जो मैंने रेगुलरली कमेंट करें जाना चाहूँ, एप्रिसीएट करफर्ट कि कमेंट कर इंटरेस्ट कि जानकु चाहते, रियली बहुत ही एप्रिसीएट करिया योग्य। तो से भितर जन है चित्तरंजन आचार्य, आचार्य ना साहू एम कौन थे, म्यूजिक फॉर यू, एजे साई भवानी, एडिटोरियल पिंकू, ऑफिस एसआर टिकू दीप, टीटू दीप, तापरे रिंकू बेहरा। तो एमाने रेगुलरली कमेंट कर जानकु चाहते, आपको छाड़ी भी बहुत लोग जानकु चाहते। जदि मु आपण ना नहीं ताले आई एम रियली सॉरी, टाइम हलानी मते, मु नेक्स्ट टाइम आपण ना शेयर नेबी जो वीडियो करी। तो चलो तो स्टार्ट करिबा आमे। जल्दी आगो को बढ़ेला पूर्व मो चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु, आउ ए वीडियो टी को लाइक कर दियंतु, बेल आइकन टी दबेबा बिल्कुल भी भूलिबेनि, ताकि मोर सब नुवा वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण माने पाई परिबे। तो चालंतु आज रो ब्लॉग आमे स्टार्ट करिबा करिबा। तो स्टार्टिंग रो स्टार्ट करिबा, केमते कोन आसीबे, कोन पढ़ले आसी परिबे। तो सबुद्र फास्ट जिंस कोन दरकार, सबुद्र फास्ट जिंस दरकार हला पासपोर्ट। बिना पासपोर्ट रे इंडिया बाहर को आपण ट्रैवल करि परिवेनि। तो जेते बळे आपण माने कॉलेज रे थांती, माने फाइनल ईयर, माने बीटेक इंजीनियरिंग की बीटेक होजु कोन बैचलर्स जेते बळे पढ थांती, हां बैचलर्स ग्रेजुएशन टाइम, बैचलर्स हो मास्टर्स हो, आपण जहां पर आसे को चाहू चंदी कि जॉब टाइम रहु जो भी टाइम रहु, फर्स्ट थिंग्स होला आपण को पासपोर्ट, पासपोर्ट ता जल्दी बनि देवा कथा। पासपोर्ट एक्चुअली आपण को स्टूडेंट टाइम रे ही पासपोर्ट ता बने दवा कथा, जेंते आपण कॉलेज आछोनी पासपोर्ट बने दो। तो पासपोर्ट प्रोसेस टिके टाइम लागुतला गुरु, एबे ऑलमोस्ट 1 मंथ रे जाउची ना, एबे काफी फास्ट हे गेलानी, तत्काल रे करि दउछोनी, 1 मंथ रे जाउची, बेसी चेक लेट नै। तो आपण जदी यूएस आसे आउ चाहौचंती, सेकंड थिंग हला जोडा आपण को दरकार वीजा। इंडिया बाहर को भी कंट्री गले आपण को वीजा दरकार हो, आ किछि किछि कंट्री जो मन संग रे इंडिया रो डील अछि सेडी इंटरनल रिलेशंस भल अच्छी, तो सेठी दरकार हुए नहीं, जमती कि नेपाल को आपण को वीजा दरकार हेनी, एमती बहुत गुड़ा कंट्रीज कर अलग कंट्री संगे टाइप थाए जोड़ी वीजा दरकार हुए नहीं, अलग अलग टाइप वीजा अच्छी जोटा अलग अलग काम पर दरकार अच्छी, जमती कि जदि आप जस्ट बुलाक आसे आपण को बी टू वीजा लगे सेटा ने पड़ा, लगे आ तापर हैला जदि आपण बिजनेस पई आसे आउ चाहौ छथि किछि आपण को किछि बिजनेस मीटिंग कि किछि बिजनेस करिया पई माने आपण को शेयर होल्डर्स कि इंटरनेशनल पार्टनर संगे मिसिया को आसे आउ चाहौ छथि कि यूएस रे किछि बिजनेस रो स्कोप बढ़िया पई आउ छथि, ताले बी1 वीजा सेटा दरकार हुए। तो एटा ये आ तापर जदि आपण माने पढिया को आस छथि, पढिया को आसिया पई टिके इजीली मिले स्टूडेंट वीजा उडा, माने जदि आपणकर सब ये डॉक्यूमेंटेशन ठीक अच्छी, यूनिवर्सिटी जो पढ़ाक आसाक चाहते से गुड़ा सब ठीक अच्छी, वेल माने जेन्युइन अच्छी, किसी माने बहुत फ्रॉड हुए, तो जदि किसी फ्रॉड माने इंती किसी फेक यूनिवर्सिटीज इंती भी बहुत केसेस, यूनिवर्सिटी किंतु आपन को गोटे पठेबो ताको कोन कोनती
I-20 जो यूनिवर्सिटी रो पढ़े से गोटे डॉक्यूमेंट पठे I-20 से आपन वीजा इंटरव्यू रे देखेले तापर आपन को समाने वीजा टा इश्यू करिवे सेटा बे बहुत बड़ा प्रोसेस है कि आमे जते इजीली कह दउछु सेते नो आपन को वीजा इंटरव्यू पे अपीयर करया को पड़ियो सब वीजा पे आपन को लाइन रे लागया को पड़ियो बुकिंग करया को पड़ियो ता पे भी 25,000 अराउंड खर्च होय जाय ना वीजा अप्लाई करया को तो आपन को 25,000 अराउंड किछ गोटे अमाउंट खर्च करया पड़ियो 25-30 तापरे आपणकर वीजा जदि आपण क्वालिफाई करूछंती तंग इंटरव्यू रे देन आपण को वीजा मिलेगो मैक्सिमम 99 केस रे आजकल रिजेक्ट हो जाउछी आगो इजीली मिल जाउतला एबे काफी स्ट्रिक्टली चेक करचंती आ मिलुनी स्टूडेंट वीजा आगो इजीली मिल जाउतला किंतु एबे माने आपण को यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट भी कर दैछि आपण पाखरे सब लेटर स्कॉलरशिप भी अछि आपण को स्कॉलरशिप भी अछि फोनी भी को माने से माने जदी पूरा रेप्युटेड यूनिवर्सिटी नथिबो छोटो यूनिवर्सिटी थाबो से माने कैंसिल कर दउछंती मोर रेप्युटेड यूनिवर्सिटी हे किरि भी मिलेलानी मते हां आ दुई तीन थरो ट्राई करिया पडियो रिजेक्ट कर देबे तेमती काफी दुई तीन थरो ट्राई करिया पडो दुईटा तीनटा ट्रायल परे ही मिलुछ जदी आपण स्ट्रिक्टली लागी कि रहिबे तीन चारटा इंटरव्यू जें के देबे ताले आपण क्लिक कर परिबे सेटा भी डिपेंड करछि जदी जेंती आपण जदी अलग-अलग जागा रे भी डिपेंड करछि कि आपण को जागा रे इंटरव्यू दोचंदी गोटे गोटे इंटरव्यू जागा बहुत स्ट्रिक्ट थांदी और गोटे गोटे इंटरव्यू जागा बहुत माने ठीक थार थांदी जेंती कि कोलकाता ओलकाता सेटा सब मिलि जाय इजीली किंतु दिल्ली फॉर श्योर बहुत डिफिकल्ट दिल्ली रे पाइबा आओ माने डिपेंड करछि आपण को उथरे पढिया को आसे चाहौ छ तो आपण जदी मास्टर्स करिया को आछंती यूएस ताहाले टिके डिफिकल्ट कहीं ना बहुत गुड़ा यूनिवर्सिटी यूएस रे अच्छी आउ माने बहुत ही बेसी यूनिवर्सिटीज अच्छी तो से माने बहुत स्ट्रिक्ट अछंती कहीं ना तादरे किछि उड़ा बहुत गुड़ा यूनिवर्सिटी कम फीस नियंती आउ ताकि बेसी स्टूडेंट आसंतु किंतु से जो वीजा ऑफिसर्स माने अछंती से छोट छोट यूनिवर्सिटी से उड़ा रिजेक्ट कर दियंती बहुत केसेस रे आउ मेन हैला जदी आपण मास्टर्स पई आछंती तो आपण को फाइन देखियाउ पड़िवो कि आपण को अकाउंट रे एतिकी पैसा अछि कि आपण 2 वर्ष यूएस रे रही परिवे तो आपण को बैंक अकाउंट रे डायरेक्ट पैसा देखियाउ पड़िवो नॉन लाइन अराउंड 60 लाख हां अराउंड ना 60 लाख नो मुझे तो आस्तली तो अराउंड 20-30 लाख तो देखिया 20 लाख तो देखियाउ पड़िवो डिपेंड करछि से जो कॉलेज रे आपण पढचन जिबाउ चाहौ छंती तार फीस केते सही जगह रे रहिबा खर्च केते तो सही हिसाब रे आपन को सेतिक अमाउंट ओटे देखाव पडियो बट मिनिमम 10 लाख देखाव पडियो माने जोटे टिके रूरल एरिया थिबो सेटे टिके कम आ सिटीज जेंति कि आपन को जो न्यूयॉर्क सिटी बिटी आपन जदि सीआरए ट्राई करचोनी ताहाले आपन को 50-60 लाख देखाव पडियो अकाउंट रे तो सेटा ओटे माने रिस्ट्रिक्शन मास्टर्स पई तो सेई पई बहुत लोगन रिजेक्ट हे जाय काहे ना के एंती लोन देखांती लोन नियंती बैंक रो सेटा देखांती के के निजो प्रॉपर्टी रो पेपर्स देखांती तो सेटा जदी ठीक नथले से डायरेक्ट फाइनेंशियल ठीक नथले रिजेक्ट कर देबे किंतु जदी आपण पीएचडी पई आछंती तो जनरली पीएचडी ता फंडेड थाए तो आपण को यूएस रे स्कॉलरशिप मिले लाइक ऑलमोस्ट सैलरी मिले जेंती मो केस रे तो पीएचडी पई इजीली जदी टिके रेप्युटेड यूनिवर्सिटी अछि तो सेटा बहुत इजीली मिल जाए कि ये नो जस्ट इंटरव्यू दे कि संग संग मिल जाए कहीं ना सत्रे फाइनेंशियल कि प्रॉब्लम न था तो स्टूडेंट पाई एटा F1 वीजा आउ तापर जदि आपण जॉब पाई आछंती जेंति कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री रे तो सेटा हे जाउची H1 वीजा आपण को दरकार आउ सेटा सबथु डिफिकल्ट सेटा कंपनी कर दे तार काम मोस्टली ना H1 टा आपण अप्लाई करिवे आउ सेटा लॉटरी सिस्टम तो सेटा लॉटरी रे हेले आपन को मिलिवो तो सेटा बहुत ही डिफिकल्ट आ वोटे जॉब पई अछि L1 वीजा L1 वीजा माने जो कंपनी इंटरनेशनल कंपनी उडा जेंति कि गूगल माइक्रोसॉफ्ट ए मान कर फेसबुक ए मान कर इंडिया रे ऑफिस अछि तो सेठी जदी से क्यों एम्प्लॉई क्यों यूएस पठिया चाहू जंती एक्सचेंज ये रे सेम कंपनी रे तो सेटा L1 ट्रांसफर वीजा सेटा टिके इजीली मिल जाए सेते तक प्रॉब्लम होय नहीं कहेंगे ना सेम कंपनी को ट्रांसफर कर चंती किंतु फ्रेश H1 वीजा पाइवार टिके कष्ट माने एठी यूएस रे पढ़ी के H1 वीजा टा पाइवा जॉब वीजा टा पाइवा इजी आगो इंडिया रु भी रही की लोक लॉटरी रे पके की H1 पाई जाउतले बट एबे सेटा बहुत डिफिकल्ट हो जाय छी कहिना से माने गोटे कैप लगे दे छंती की वर्ष को एति की किछी गोटे फिक्स अमाउंट रो H1 वीजा ही देबे तो सबुत्रु
ଇଜି ୱେ ୟୁଏସ୍ରେ ଆସିକି ମାନେ ଏମିତି ପରମାନେଣ୍ଟ ରହିବା ତ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ହାର୍ଡ ହେଇଗଲାଣି କି ମାନେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ ଦରକାର ହୁଏ ଯଦି ଆପଣ 10-20 ବର୍ଷ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା କାଫି ବହୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଆଉ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆସିକି ପଢ଼ିକି ଜବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ବର୍ଷ କି ୟୁଏସ୍ରେ ଯଦି ଜବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଲା F1 ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିଜା ଆସିକି ୟୁଏସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ରେ ପଢ଼ିକି ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣ 2-3 ବର୍ଷ ବିନା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ରେ ଜବ୍ କରିପାରିବେ 2 ବର୍ଷ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ତାପରେ ଆପଣ H1 ଭିଜାରେ ଏଇଠି ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ରହିପାରିବେ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ ମିଳିଲେ ଆପଣ ଆଉ 3 ବର୍ଷର ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜା ଦରକାର ହୁଏନି ତ ଆପଣ ସେ ହୋଟେଲରେ କାମ କରିପାରିବେ 3 ବର୍ଷ ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିଜାଟା କାଫି ସେଫ୍ ଥାଏ ଆଉ ଏତେ ମାନେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଭଗେଇବେନି ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଇଜି ଥାଏ ଦେନ୍ ସେଟା ଗଲା ଭିଜା ପ୍ରୋସେସ ତାପରେ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଭିଜା ଅଛି ବଟ ଏଇଟା ମେଜର କ୍ୟାଟେଗରୀ ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଆସିବାକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବହୁତ ଜଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ପାସପୋର୍ଟ ବନେଇଲେ ସେଇଥିରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ତାପରେ ଭିଜା ପାଇଁ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 20,000 ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ନାଇଁ ନାଇଁ 25 ହେଇଗଲାଣି 25 ହଁ ମୋ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି 20 କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିଲା 25-30 ସେମିତି ଆଉ ଟ୍ରାଭେଲ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ 25-30,000 ସେଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ତାପରେ ୟୁଏସ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଭେଲ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ନା ୟୁଏସ୍ରେ ଆପଣ ବିନା ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସରେ ଏଇଠି କିଛି ମାନେ ଏମିତି ରହିପାରିବେନି ତ ସେଇଟା ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ମାନେ ଯଦି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ହେଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ବିଲ୍ 1000 ଏମିତି ଜ୍ୱର ଖାସ ପାଇଁ ବି ଆସିଯିବ $1000 ବିଲ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ ଲିଓକୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଆମର ଲିଓର ହେଇନଥିଲା ଅପଡେଟ୍ ହେଇନଥିଲା ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସରେ ତାର ନାଁଟା ତ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାକୁ ଆସିଲେ ଡିପିଟିନା କଣ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ତା ପାଇଁ ଆମର ବିଲ୍ ଆସିଥିଲା କେତେ $2,500 ମାନେ 1.5 lakh ଆମର ବିଲ୍ ଆସିଥିଲା ସେଇଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମାନେ ବିନା ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ରେ କିଛି କରିହବନି ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ବି କରିହବନି ତ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ଟ୍ରାଭେଲ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଟ୍ରାଭେଲ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଆଉ ବହୁତ ଭିଜା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଜ୍ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡେ ଆଇଟିନେରୀ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ ଆଉ ଆଉ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଅଲଗା ଭିଜାରେ ଆସିବେ ତ ଏଠି ଅଟୋମେଟିକଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ କରିକି ପଇସା ଭରିବାକୁ ପଡିବ ବଟ୍ ସେଇଟା ପର କଥା ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ତାପରେ କଣ ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ପଇସାଟା କୁ ଆସିଲା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ହଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ ତ ସେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ଟା ଅଛି ନା ହଁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାନେ ଏଠି ବଟ୍ ମୁଁ କହି ଦଉଛି ସେଇଟା ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ୟୁଏସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ୟୁଏସ୍ ମାନେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସିବେ ତ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ୟୁଏସ୍ର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି କାହିଁକିନା ୟୁଏସ୍ଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଟ୍ ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଇଏକୁ ତ ଆମେ ଜେନେରାଲି ନ୍ୟୁୟର୍କ ଆସୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏଇଠି ପାଖରେ ଅଛି ଅଧଘଣ୍ଟା 45 minutes ଦୂରରେ ଆମ ଲୋକେସନରୁ ତ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟି ଆସିବାକୁ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଥର ବମ୍ବେ ନହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଏ ଆସେ ଯୋଉ କଣ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ତ ସେଇଟା କେତେ 17-18 ଘଣ୍ଟା ସେଇଟା ସେ ଖାଲି ସବୁ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ତ ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ 17-18 ଘଣ୍ଟା ବସିବାକୁ ପଡିବ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ କି 15-16 ବୋଧେ ନାଇଁ ନା 18 ଘଣ୍ଟା ନା ଆଉ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କଷ୍ଟଲି ଥାଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅବଭିୟସ୍ଲି କଷ୍ଟଲି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ନର୍ମାଲ ଚିପ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସେଗୁଡା ଦୁବାଇ ନହେଲେ ନାହିଁ କୁୱେତ ଆବୁଧାବି ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଇକି ଆସେ ମାନେ ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟରୁ ସେଗୁଡା ଶସ୍ତା ପଡ଼େ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବଟ୍ ଏଇନା ତ ବନ୍ଦ ଥିବ ଏଇନା କୋରୋନା ପାଇଁ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ୍ ସେଇଟା 5 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଲେ ଓଭର ଥାଏ ହଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର 20 ଘଣ୍ଟା 30 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ତ ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଏ ମାନେ ଆବୁଧାବି ଦୁବାଇ ଏସବୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରୁ ଗଲେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 30 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଏ ଆଉ କଷ୍ଟମରେ ବହୁତ ଚେକ୍ ହୁଏ ସେଇଠି ଆବୁଧାବି ଦୁବାଇ ସେ ଯୋଉଠି ରହିବେ ସେଠି କଷ୍ଟମ ଚେକ୍ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ହବ ଆଗ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ 2015 ସେତେବେଳେ ଏତେ ଚେକ୍ ହଉନଥିଲା ବହୁତ କମ୍ ଚେକ୍ ହୁଏ ବଟ୍ ତାପରେ କଣ ମଝିରେ କଣ ହେଲା ତ ପୁରା ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚେକିଂ ହେଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ସେଠି ଲାଇନ୍ରେ ମଝିରେ ଯୋଉଠି ଲେ ଓଭର ଥିବ ସେଠି ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଚେକିଂ ଇଏ ପାଇଁ ପୁରା ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲିକି ଚେକ୍ କରିବେ
अलग अलग मेन आफ्रिका कि इंडिया सब जगार कि प्लांट्स गुड़ा जदि यूरोप कि यूएस रे जानती तो से प्लांट्स गुड़ा को मारिक पूरा पैसा खर्च हुए आसवा खाली मुझे खर्च हुए एयर इंडिया रे आसले $1,000 खर्च हबो माने एमती टाइमिंग उपर डिपेंड माने 70 80 रु लखे जेंके धर दियंतु हो कि नै आपण जदि माने 6-7 मास आगुरु टिकट बुक करचंदी त सस्ता हे पारे माने दीटा वे आपण को पड़े जो 60-70 भितरे 80 भितरे हे जो आउ किंतु माने मासे दि मास भितरे कले आपण को एयर इंडिया रे कले ऑलमोस्ट $1,000 कि 70,000 पड़ जो आ मिडिल ईस्ट जो कुवैत एयरवेज कि एमिरेट्स एउडा सब उठिके सस्ता पड़ियो आपण को एतिहाद एउडा रे ऑलमोस्ट मु जेतले जाय माने टू वेज जिबा आसीबा सेटा के $600 $700 एमती ठीक टाइम रे कले मिल जाय सस्ता रे बहुत तो देखो ना 40,000 रे आपण जिबा आसीबा मिल जाय मिडिल ईस्ट वाले फ्लाइट रे खायबे बहुत बढ़िया खाया बढ़िया तंत्र फ्लाइट गुडा बहुत बढ़िया टीवी फीवी लगाय तो पूरा मस्त तो ब्लॉग टा बहुत लंबा है गेलै हां तो चलन तो आमे वाइंड अप करिया कि ना ऑलरेडी ऑलरेडी बहुत लंबा है गेलै अपन आ जहां सब सैलरी फैलरी सेटा ओके बे डिस्कस ओके बे डिस्कस करे एक्चुअली तो अपन को आ जहां भी क्वेश्चन रहू जे मन रे जहां भी क्वेश्चन रहू जे मते तळे कमेंट्स रे लेखन दो अपन को जदी ब्लॉग टी भल लागी छै अपन श्योरली कमेंट रे लेखन दो केमती लागिला कोन नै हम इंप्रूवमेंट पई आमे अपन को सब कमेंट्स बहुत इंपोर्टेंट जल्दी जाएंगे चैनल टाको सब्सक्राइब कर दियंतु आ वीडियो टिको लाइक कर दियंतु आ हम एमते देखाबो गोटे नोवा टॉपिक नेके मु जल्दी ट्राई करिवे नेक्स्ट हम सैलरी आ ए सब कवर करिया को मु जल्दी ट्राई करिवे त हम नेक्स्ट देखाबा गोटे नोवा टॉपिक नेके गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक जोटा कि आपण माने जाने को चाहंतबे त आपण माने शेयर लखंतु आ आजिरो ब्लॉग रे मु कहै छी कि मु आपण मानको पखरे किछ भलो वीडियो अछि गारो हो आपणकरो जागारो हो आपण माने मते शेयर पठेबे से वीडियो आ मु निजर गोटे स्पेशल ब्लॉग काढिबी सैटरडे टू सैटरडे जथरे कि मु आपणको स्पेशली मु व्यूअर्स आ सब्सक्राइबर्स मानको वीडियो देबी माने आमा वीडियो संगे किबा आमे कंपाइल करके दबो सेटा गोटे भलो गोटे ब्लॉग करके आमे दबो सेटा आपण को भी देखिया को भल लागे आपण गां लोक भी देखिबे आपणकर भी परिचय जे पठै चंदे तांको परिचय भी आमे सेथरे ये करिवो तो ठीक अच्छे आज ब्लॉग टा बहुत लंबा हो गला एक्चुअली आज ब्लॉग पठे बारे नथला किंतु लागला कि नाही किछ तो पठेबो पड़ियो नहले लोक अनेक बसतबे तो ठीक अच्छे हमें फिर देखावा टेक केयर बाय बाय सी यू बाय बाय।